विनोद प्रभाकर भारत के यंग टैलेंटेड और उभरते हुए एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें हम बेसिकली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गड्डी पार मूवी से की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, और इन्हें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस फ्रीक के तौर पर भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में विनोद प्रभाकर सर की हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में जानेंगे, इनका करियर एनालिसिस करेंगे, इनकी हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में देखेंगे, और आज की यह वीडियो बेसिकली फिल्मी बीट की ऑडियंस रिस्पांस और क्रिटिक रिस्पांस पर आधारित होने वाली है, क्योंकि मुझे अधिकतर विनोद प्रभाकर सर की हिट और फ्लॉप मूवीज़ नहीं मिली थी, जिसके कारण मैंने फिल्मी बीट की इंटरनेट इन्फॉर्मेशन से इस वीडियो को पूरा किया है। यदि कहीं कुछ गलती मिले तो फ्रेंड्स, मैं उसके लिए पहले ही सॉरी कहना चाहूँगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नंबर वन, गड्डी पार। यह 2005 की एक्शन थ्रिलर मूवी थी, जिसका डायरेक्शन किया था एसएस डेविड ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, चरण और भव्या थी। मूवी बॉक्स ऑफिस पर कई दिनों तक रन करती रही और कलेक्शन के हिसाब से यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। इसमें इनके फादर टाइगर भी दिखाई दिए थे। नंबर टू, सर्कल रावड़ी। यह भी एक्शन से भरपूर मूवी थी, जिसका डायरेक्शन किया था बी रामामूर्ति ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, दीपू, बैंक जनार्दन दिखाई दिए थे। मूवी 2006 में दिखाई दी और बॉक्स ऑफिस पर एक ठीक ठाक कलेक्शन करके सेम हिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर थ्री, VIP 5। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कब आई और कब गई पता नहीं चला। मूवी का डायरेक्शन किया था राजशेखर ने। लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, मनोहर शंकर और संजीवा दिखाई दिए थे। मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और कहा जा रहा है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, हालांकि मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला। नंबर फोर, नवाग्रहा। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी, जिसका डायरेक्शन किया था दिनाकर टी ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में चैलेंजिंग स्टार दर्शन, शर्मिला मंद्रे, विनोद प्रभाकर दिखाई दिए थे। मूवी 2008 में रिलीज हुई थी और 8.2 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नंबर फाइव, होरी। इसका डायरेक्शन किया था NM पांडू ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, गौरी मुंजाल और डोडन्ना दिखाई दिए थे। मूवी 2011 को रिलीज हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर सिक्स, एक्शन से भरपूर मूवी गजेंद्रा, जिसका डायरेक्शन किया था जे जी कृष्णा ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह और राजशेखर दिखाई दिए थे। मूवी 2016 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कोई खास पसंद नहीं की गई और एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। हालांकि शुरुआती दिनों में ही इस मूवी को पसंद किया गया था, लेकिन अचानक से बड़ी मूवी लगने के कारण यह मूवी बॉक्स ऑफिस से हट गई। नंबर सेवन, एक्शन रोमांटिक मूवी बेली, जिसका डायरेक्शन किया था एम महेश ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में शिवा राजकुमार, विनोद प्रभाकर और बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा दिखाई दिए थे। मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और 5.4 की से नेगेटिव IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर एट, एक्शन से भरपूर मूवी टायसन, जिसका डायरेक्शन किया था राम नारायण ने। मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, गायत्री अय्यर और चिकन्ना दिखाई दिए थे। मूवी 2016 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट शुरुआत करते हुए एंड तक यह मूवी पैरलर बनी रही और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म का टैग हासिल करने में सफल रही थी। नंबर नाइन, मारी टाइगर। इस मूवी का डायरेक्शन किया था सत्या पीएन ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, तेजू, सुप्रीत आदि दिखाई दिए थे। मूवी 15 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी और 5.6 की इसे IMDb रेटिंग मिली थी। मूवी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर 10, इनकी एक्शन और रोमांटिक से भरपूर मूवी क्रैक, जिसका डायरेक्शन किया था के राम नारायण ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, आकांक्षा और अरविंद राव दिखाई दिए थे। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2017 को रिलीज हुई और इसे 5.6 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी। हालांकि पिछली मूवीज के मुकाबले इसे ज़्यादा पसंद किया गया और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 11, रूगड। इस मूवी का डायरेक्शन किया था श्री महेश गौड़ा ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विष्णु, विनोद प्रभाकर, चैत्रा रेड्डी और थ्रिलर मंजू दिखाई दिए थे। मूवी 2019 को रिलीज हुई और इसे 6 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी। इस मूवी में विनोद प्रभाकर ने एक रेसर का रोल प्ले किया था। मूवी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कलेक्शन करके एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर 12, इनकी हालिया रिलीज मूवी शैडो, जिसका डायरेक्शन किया है रवि गौड़ा ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में विनोद प्रभाकर, शोभिता राणा और सरवण दिखाई दिए हैं।
मूवी 5 फरवरी 2021 को रिलीज हुई है और अभी तक बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और कहा जा रहा है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट हिट साबित हो चुकी है। नंबर 13 रॉबर्ट, जो एक्शन और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है। मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं तरुण सुधीर। ये एडिटिंग मिस्टेक की वजह से एसएस डेविड रह गया और मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में दर्शन, आशा भट्ट, जगपति बाबू और विनोद प्रभाकर होने वाले हैं। मूवी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है और यह मूवी रिलीज होने वाली है 11 मार्च 2021 को और इस मूवी का बजट तकरीबन 15 से 20 करोड़ के बीच रखा गया। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है और आने वाला कौन सा रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।